हेलो फ्रेंड, मैं ब्रजेश कुमार, ऑफिशियल यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब्स फॉर यू में आपका स्वागत है। यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है और सरकारी नौकरी से संबंधित है। इस वीडियो में लाइब्रेरी असिस्टेंट, एमटीएस, लेबोरेटरी असिस्टेंट सहित विभिन्न पद के बारे में बताने वाला हूँ। यह जो विभिन्न पद हैं, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट यानी सीधी भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित हैं, सरकारी नौकरी के लिए आवेदन आमंत्रित हैं, और आप सरकारी नौकरी करना चाहते हैं तो यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। अब मैं बात करता हूँ, एप्लीकेशन फॉर्म जो है ऑनलाइन नहीं फिल करना है, ऑफलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। एप्लीकेशन फॉर्म रिसिप्ट होने की जो तिथि है 30 नवंबर 2023 तक आपका एप्लीकेशन फॉर्म रिसिप्ट होना चाहिए। इन सभी पद के लिए एप्लीकेशन शुल्क की बात करें कि कितना एप्लीकेशन शुल्क लग रहा है, तो एप्लीकेशन शुल्क में ₹500 एप्लीकेशन शुल्क है ओबीसी और जनरल कैटेगरी के लिए। एसी, एसटी, पीडब्ल्यूडी और फीमेल कैटेगरी में कोई भी एप्लीकेशन शुल्क नहीं लग रहा है। जो एप्लीकेशन शुल्क हैं आपको कैसे पे करना है और एप्लीकेशन फॉर्म कहाँ से डाउनलोड करना है, इसके लिए मैं आपको वेबसाइट बता रहा हूँ। वेबसाइट का नाम है govtjobsforyou.org, यानी इस चैनल के द्वारा ही यह वेबसाइट बनाया गया है। इस चैनल पर आप जाएंगे तो नीचे अटैचमेंट है, एडवर्टाइजमेंट अटैचमेंट है, एप्लीकेशन फीस पे करने की गाइडलाइन अपलोड है और एप्लीकेशन फॉर्म अपलोड है। इस पर जाकर आप क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं इजीली तरीके से। यह नोटिफिकेशन भी वेबसाइट पे अपलोड है। अब मैं बात करता हूँ इसमें जो विभिन्न पद हैं, इन पद के लिए तो यहाँ पे सीरियल नंबर दी गई है, यहाँ पे पोस्ट का नाम दिया गया है, यहाँ पे लेवल यानी जिसके अनुसार आपको सैलरी मिलेगी, यहाँ पे एंट्री पे यानी जब आपकी सरकारी नौकरी लगेगी तो आपको सैलरी कितना मिलेगा, यहाँ पे नंबर ऑफ पद है, यहाँ पे कैटेगरी वाइज डिटेल दिया गया है और यहाँ पे है मैक्सिमम एज लिमिट क्या है। इसमें लाइब्रेरी अटेंडेंट के लिए कुल 2 पद हैं, एक जनरल में एक एसी कैटेगरी में। एज लिमिट अधिकतम 30 साल है और ₹29,200 पर मंथ सैलरी है। फील्ड कम लेबोरेटरी असिस्टेंट के लिए कुल 8 पद हैं, सैलरी सेम है, 4 पद जनरल और 4 पद एसटी के लिए हैं, एज लिमिट भी 30 साल है। एलडीसी यानी लोअर डिवीजन क्लर्क के लिए सैलरी ₹19,900, कुल 2 पद हैं, दोनों पद जनरल कैटेगरी में हैं और एज लिमिट है 27 साल, इस बात को विशेष ध्यान रखें। सिक्योरिटी गार्ड के लिए आवेदन आमंत्रित हैं, कुल 2 पद हैं जनरल कैटेगरी में, एज लिमिट है 35 साल। एमटीएस के लिए कुल 9 पद हैं, सैलरी है ₹18,000 और एज लिमिट है 25 साल। इस तरह से कुल 23 पद यानी 23 पदों पर ऑफलाइन आवेदन आमंत्रित हैं। अब लाइब्रेरी असिस्टेंट के लिए क्वालिफिकेशन की बात करें तो मिनिमम क्वालिफिकेशन मांगा हुआ है बैचलर डिग्री लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस में, और यदि आपके पास पीजीडीसीए है तो आप डिजाइवर में रहेंगे। इसके अलावा नॉलेज ऑफ इंग्लिश और हिंदी होना चाहिए। लेबोरेटरी असिस्टेंट के लिए भी बैचलर डिग्री मांगा हुआ है, बैचलर डिग्री एग्रीकल्चर एंड साइंस यदि आपके पास है तो आपको ज़्यादा महत्व दिया जाएगा, यानी एग्रीकल्चर एंड साइंस में होना चाहिए। लोअर डिवीजन क्लर्क के लिए क्वालिफिकेशन 12वीं क्लास पास हैं, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। इसके अलावा टाइपिंग स्पीड इंग्लिश 35 वर्ड पर मिनट और हिंदी 30 वर्ड पर मिनट, इन दोनों में से कोई एक होना जरूरी है। सेक्रेटरी गार्ड के लिए 8वीं क्लास पास पे आवेदन आमंत्रित किया गया है। इसके अलावा गुड फिजिक रिक्वायर यानी फिजिकल होना चाहिए, यानी फिजिकल रिक्वायर अच्छा होनी चाहिए। मेडिकल टेस्ट और कंप्लीट आपको दौड़ की बात करें तो 15 किलोमीटर का इसमें दिया है और कम से कम रेस जो है 2 घंटे का रेस आपको मिलेगा गार्ड सिक्योरिटी के लिए या सिक्योरिटी गार्ड के लिए। पद के लिए डिजाइवर क्वालिफिकेशन में सेंट्रल स्टेट या पैरामेडिकल यदि रिटायरमेंट जैसे होते हैं उनके लिए यदि अप्लाई करते हैं, आप ऐसे हैं और अप्लाई करते हैं तो आप डिजाइवर में रहेंगे। एमटीएस के लिए मात्र 10वीं क्लास पास मांगा हुआ है और डिजाइवर क्वालिफिकेशन की बात करें तो एक्सपीरियंस आप वर्किंग इन सेंट्रल या स्टेट या सेमी गवर्नमेंट या स्कूल या किसी भी संस्था से आपके पास है, वर्किंग नॉलेज आप इंग्लिश एंड हिंदी है तो आपको डिजाइवर में आप रहेंगे, यानी ज़्यादा महत्व दिया जाएगा। यह रही क्वालिफिकेशन। अप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए आपको जो डेट मैं बताया हूँ आपको याद ही होगा, 30 नवंबर है, 30 नवंबर अभी बहुत टाइम है। जिस पद के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उस पद का नाम आपको जरूर लिखना है कि किस पद के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। एनवेलप पे पहले ही लिखना है कि दी पोस्ट ऑफ अप्लीकेशन फॉर दी पोस्ट ऑफ, जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उस पोस्ट का नाम आपको जरूर लिखना है। यह जो वैकेंसी है इसमें और भी डिटेल जानकारी दी गई है, तो और डिटेल जानकारी तो इस वेबसाइट से आप नोटिफिकेशन डाउनलोड करके ले सकते हैं। अब मैं बता दूँ कि यह वैकेंसी कहाँ पर आया है, तो सेंट्रल एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी मणिपुर में आवेदन आमंत्रित हैं, केंद्रीय किसी विश्वविद्यालय मणिपुर में आवेदन आमंत्रित हैं। यदि आप इंटरेस्टेड हैं तो यह वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण होगा और अभी तक